हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी झांसी में हैं और मम्मी का ट्रीटमेंट झांसी में चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनके चल्ले डले थे कोटा में, लेकिन वहाँ पर चल्ले डलने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, उनको उल्टी होने लगी थी। तो हम उनको फिर कोटा में लेके गए जहाँ उनके चल्ले डले हुए थे, चल्ले डाले थे जिनने खिलजी साहब ने, वहाँ पर गए थे उनको लेकर, लेकिन उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जाकर ही उनको रात में बहुत ज़्यादा खून की उल्टी बढ़ गई उनकी, कम होने की जगह और बढ़ गई उनकी। और फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया गया, इससे पहले उनको जनरल वार्ड में रखा गया था, उसके बाद अब उनको आईसीयू में लेके गए। फिर आईसीयू में लेके गए तो उनको बहुत सारी दवाई दी गई, मैं बहुत सारी दवाई लेके आया उनके लिए, यानी बार बार वो लिखते जा रहे थे कंप्यूटर में, दवाई लिखते जा रहा था, लेकिन मैं हर दवाई पे सोचता था कि इस दवाई से ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा मम्मी को, लेकिन कोई दवाई से फ़ायदा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन वो कंटिन्यू दवाई लिखते जा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी यानी उनके यानी उनके हेल्थ में कोई भी बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ 1% भी। और उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है मम्मी को, बिल्कुल भी उनको यानी उनकी हालत ऐसी कर दी होती गई कि बिल्कुल कोमा की तरह, एक पेशेंट होता कोमा का उसी की तरह वो उनका यानी उनकी हालत हो गई। और इतनी दवाई देने के बाद भी 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उनकी हेल्थ पर, जी मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पर। अब डॉक्टर से बोलते थे, डॉक्टर बोलते हैं कि दुआ करो, तो दुआ तो हम कर ही रहे थे दिल से, और आसिफा ने भी बोल दिया था आप सभी से कि दुआ करने के लिए उनको, लेकिन कुछ दवाई का असर तो होता, तो दवाई असर ही नहीं कर रही थी कुछ भी, हर दवाई फेल हो रही थी उनकी, लीवर और ज़्यादा डैमेज होता जा रहा था उनका। और इधर हमारा पापा मेरा और हम सबको यानी बहुत टेंशन हो रही थी, दूल्हा आई भी थे, साइनाबाजी भी थी, हमने उनको माँ से ले लिया था बारह से, क्योंकि जब छल्ले डले थे जब वो भी गए थे साथ में, क्योंकि दूल्हा आई का इलाज चल रहा उन खिलजी साहब के यहाँ, तो उन्होंने ही बताया था वहाँ पर मम्मी का डॉक्टर, इसलिए हम वहाँ पर चले गए थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं पता था कि यानी ऐसा हो जाएगा मम्मी के साथ, इतने खतरे में आ जाएंगी मम्मी की जान, हमें बहुत सदमे में हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या करें। लेकिन जब अल्लाह की मर्जी होती है तो कुछ, जो कहते हैं ना पत्ता, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी दोबारा से लौटाई है, और वो फरिश्ता भेजा है झांसी में, जो जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, और उनका अच्छा ट्रीटमेंट करा और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इससे उनका डेली का एक एक दिन उनको इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और नहीं तो वहाँ से उनकी बिल्कुल जिंदा लाश की तरह आई थी, ये कोमा का पेशेंट होता बिल्कुल ही यानी, और उनका खून बिल्कुल ही सूख गया था, खून ही नहीं रहा था उनके में, बहुत ही परसेंट कम हो गए थे खून, 5-6% हो गया था खून, और अगर 1-2 दिन और रुकते वहाँ पर तो बिल्कुल ही उनका खून और कम होता जाता, पता नहीं खुदा ना कास्ता क्या हो जाता। लेकिन अल्लाह का जी है, हमने जिद करी, अल्लाह की मर्ज़ी से सब होता, अल्लाह जब चाहता जब सब कुछ सही कर देते हैं। अब हमने सोचा बिल्कुल ही 2 दिन दो फ़ायदा नहीं हो रहा उनको बिल्कुल भी, पापा भी हार मान गए थे सब, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे कि यानी ना डिस्चार्ज ही कहते, यानी कुछ नहीं कहते, यानी बस जी कहते कि यानी दुआ करो, हम तो अपना काम कर रहे हैं तो उनको दवाई नहीं लग रही है, लेकिन
इतना तो होना चाहिए डॉक्टर ऐसा कि यानी दवाई इतनी महंगी महंगी दवाई लिख रहे हैं सब, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे वो डॉक्टर, कैसे डॉक्टर हैं ये, कुछ तो करना चाहिए ना उन्हें, लेकिन वो फेल होते जा रहे थे, हर दवाई पे फेल होते जा रहे थे वो, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे आप दूसरे डॉक्टर के चले जाओ या दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, या कोई डॉक्टर को सजेस्ट करते कि इधर चले आओ ना, हम नहीं कर पा रहे जे चलो, लेकिन उनने ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ, बस उनका बस ये काम ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई उनकी। अब फिर यानी हमने ही आगे से बोला हमें डिस्चार्ज करवाना अब मम्मी को, और जहाँ से हटें जल्दी से, हमें नहीं रखना यहाँ पर बस। और बेचारे पापा तो यानी रोने लगे थे, मैं भी रो रहा था, लेकिन अब संभालना पड़ता ना अपने आप को, क्योंकि अपन ही अपन बैठ जाएंगे तो इलाज कौन कराएगा फिर, इसलिए मैं पापा से जिद कर रहा था कि जयपुर ले जाऊँगा मम्मी को, बस आप साइना भाई जी रुक जाना, मैं जयपुर रुक जाऊँगा, जयपुर ले जाऊँगा मम्मी को। जयपुर में मैंने डॉक्टर निकाले थे, इंटरनेट से निकाले थे डॉक्टर, गूगल पर सर्च करके निकाले थे लीवर डॉक्टर, और फिर यानी अच्छे डॉक्टर भी बहुत सारे सजेस्ट हुए थे उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने पापा से जिद करने लगा, नहीं मम्मी पापा मैं दिल्ली तक ले आऊँगा, दिल्ली का भी मैंने कहा, दिल्ली में भी मेरे दिमाग पे था कि दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, दिल्ली जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए मम्मी का, क्योंकि इंसान की आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहिए, कभी पीछे हार नहीं मानना चाहिए, मैंने कभी हार नहीं मानी इस चीज़ में। मैं मम्मी को लेकर यानी अकेले आया था एम्बुलेंस में, मम्मी की मालिश करता आया पैरों की, क्योंकि वो ठंडी पड़ रही थी, खून कम हो गया था ना तो बहुत ठंडी पड़ रही थी मम्मी बिल्कुल ही, इसलिए मैं यानी उनको मैं पैरों की जल्दी जल्दी मालिश कर रहा जिससे थोड़ा गर्माहट आए उनको। तो मैं जैसे तैसे मैं उनको अपने आप को संभाला मैंने, और मैं लेके आया उनको सीपरी में हैं, और सुन और थोड़ा बात भी हुई थी भैया से, भैया का कोई दोस्त है तो उसने कोई डॉक्टर है यानी झांसी में ये जो जिसके आए हैं हम अभी, उनके दोस्त के पापा को पापा का इलाज जिस हॉस्पिटल में चल रहा था उनका भी यानी नस फट गई थी, यानी जैसे मम्मी का नस फट गई थी मम्मी की भी, जो उनने छल्ले डाले थे उससे उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, उसकी नस फट गई थी तो वो खून चालू रह रहा था, उसको रोकने में वो असमर्थ हो रहे थे, यानी बिल्कुल भी यानी कामयाब नहीं हो रहे थे उसको रोकने में, इसलिए। और जिस डॉक्टर हैं उनका उनने मेरे उस भैया के दोस्त के पापा का इलाज करा था तो बिल्कुल सही हो गए वो, आज भी बढ़िया हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेकअप कराने आते रहते हैं। तो भैया ने भी उनसे बात करी थी, उनसे बात कराई थी मेरी, और फिर मोनू भाई भी थे घर पर, सीमा बाजी भी आ गई थी घर पर, सीमा आ गई थी, मोनू भाई आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी यानी जो बोला था झांसी में अच्छे डॉक्टर हैं है ना, तो उधर भी आप उधर भी ले चलते हैं उन मम्मी को, तुम लेके आओ जल्दी। और फिर यानी दूल्हाई को भी साइना बाजी को भी पता ये बातें हो रही थी ना, तो ये सब बातें हम सब सामने ही हो रही थी, साइना बाजी थी पापा थे, तो दूल्हाई को भी पता चला कि यानी कि सब था जयपुर की कह रहा है, और झांसी भी देख ले, झांसी की भी बात चल रही है। तो फिर दूल्हाई ने भी कही थी, बड़े दूल्हाई ने हमारे, कि झांसी दिखवा लो, क्योंकि अब सीमा भी है यहाँ पर, मोनू भाई भी हैं, अपना घर है यानी यहाँ पर भी, और यानी अच्छे डॉक्टर भी हैं, क्योंकि उनका जब उनके दोस्त मेरे दोस्त के पापा यानी भैया के दोस्त के पापा सही हो गए तो वो मम्मी का भी चांस था सही होने का बिल्कुल ही, तो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही निकला, और हम उनको लेकर यहाँ पर आए। पहले तो सीपरी गए हम, और सीपरी से यानी हमारी बाजी बैठी थी और भैया आया था वहाँ से, और मैं सीपरी पहुँच के और फिर हाल की हाल में झांसी निकल गए हम, मोनू भाई सीमा
बाजी हमारी सबनम बीच वाली बाजी है और मैं तो आसिफा तो कोटा चली गई थी, कोटा गई थी आपको पता है सबको बच्चों के साथ, तो पापा ने नहीं जान दिया उनको कि अब घर पे रहो, क्योंकि फूफी भी घर पे हैं, फूफी भी घर पे थी, बुलबुल भी घर पे थी। और फिर जी बोल रहे थे पापा बहुत ज़्यादा सर्दी है बेटा, और तुम कोटा में भी सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने फिर मना कर दिया आसिफा से कि तुम नहीं रुक जाओ, अब नहीं जाओ। अब आप बड़ों की बात तो मानना पड़ती है, वैसे तो मैं उसको जहाँ पे भी ला रहा था, लेकिन जब पापा ने मना करी फिर मैंने कही ठीक है रहने दो तुम, हम मैं तो जा ही रहा हूँ, और दोनों बाजी हैंगी, सीमा भी हैगी और सबनम बाजी भी हैंगी, हम तुम्हें संभाल लेंगे, जैसा भी होगा संभाल लेंगे हम। और जहाँ के अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि हाल ही उनको दूसरे दिन फ़ायदा हो गया, उनका जो ब्लड था वो धीरे धीरे उसका आना बंद होता गया, होता तो बिल्कुल ही वो बंद हो गया उनका ब्लड का आना। और इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस ये सबसे बड़ी वो थी, यानी ऐसा लगा पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो मुझे, और बहुत अच्छा लगा। पापा को भी नई उम्मीद जाग गई जब उन्हें बताया फ़ोन पर, पापा को भी, यानी आपको पता है वो भी पेशेंट ही हैं, वो भी चलने में दिक्कत आती उनको, उनकी भी पैरों में दर्द रहता बहुत ज़्यादा, और वो भी यानी उनको भी हार्ट में भी यानी वो हार्ट पेशेंट भी हैं आपको पता है, और वो यानी बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन उनको भी नई उम्मीद जगी तो बहुत अच्छा लगा उनको। और बस हम सब बहुत खुश हुए, मैंने मेरी सिस्टर और हम भाई और सब आसिफा वगैरह सब आलिया बुलबुल सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जी सबसे बड़ी चीज़ थी ब्लीडिंग रुकना, जिसको वो नाकाम थे कोटा वाले डॉक्टर उसको रोकने में। अब ये एक ये था यानी ब्लीडिंग तो रुक गई थी, लेकिन वो दवाइयाँ ज़्यादा दे दी थी कोटा वाले डॉक्टर ने, तो इसलिए उनको दिमाग का असर पड़ा था उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैवी डोज मिले थे उनको, बहुत हैवी डोज दे रहे थे वो लोग, कैसे भी वो भी कोशिश कर रहे थे रोकने की, खून ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे बिल्कुल ही। इसलिए फिर वो उसका असर मम्मी के दिमाग पर पड़ा बहुत, इसलिए तो उनका यानी बिल्कुल कोमा जैसा शरीर हो गया था बिल्कुल, यानी ना सूझबूझ थी जो दिमाग की, यानी बुद्धि कुछ उनको कुछ यानी समझ नहीं आ रहा था, ना सोच देख पा रही थी, ना आंखें फलक पा रही थी, ये कोमा पेशेंट क्या होता ना वैसे ही बिल्कुल वैसी हो गई थी बिल्कुल ही। लेकिन बस उनने यानी जब से पहले लीवर का जी झांसी वाले डॉक्टर ने लीवर का इलाज करा, ब्लीडिंग रोकी, उसके बाद फिर यानी अब उनने यानी इम्प्रूवमेंट करा, यानी कि खून जहाँ तक पहुँचे दिमाग तक, लीवर का खून है जो दो यानी लीवर का खून यानी खून निकल के कम हो गया था, उन्होंने खून भी उनने यानी चढ़ाया काफ़ी खून चढ़ाया मम्मी के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग में बहुत सारा खून निकल गया था और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी खून की, तो ब्लीडिंग यानी खून डेली खून चढ़ रहा था मम्मी को, तो जैसे जैसे खून भी चढ़ा तो उनको यानी रिलीफ मिलता गया, दिमाग तक पहुँचा खून भी यानी बढ़िया, और दिमाग भी काम करना चालू हो गया। और लेकिन हाँ अब फिर भी यानी वो बोलना शुरू हुई धीरे धीरे, बोलना नहीं पा रही थी पहले, हाँ अब्बा अम्मा ऐसे बोल रही थी, धीरे धीरे बोलना शुरू करा उनने, यानी हमारी नानी थी तो उनसे अम्मा कहती थी वो हमारी मम्मी, तो इसलिए वो उन्होंने जो पहला शब्द बोला अम्मा बोला,
अम्मा अम्मा तो हम बहुत खुश हुए कि यानी चलो मम्मी के मूवमेंट होने लगे चेहरे पे, यानी बोलने थोड़ा बोलने लगी मम्मी। फिर उनके बाद उसके बाद उनका उनकी फिर आँखों की पुतली भी झपकने यानी झपकने लगी, यानी क्या कहते हैं जो भी ऐसे ऐसे करके उन्हें पलकें यानी। और फिर उसके बाद यानी उनको बोलने की क्षमता बढ़ने लगी उनकी धीरे धीरे। और अभी लेकिन वो पूरी तरीके से वैसे बच्चे हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही हो गई अभी। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है आप अल्लाह का करम है और आप सबकी दुआ है, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ मैं आप सभी का। जो आपने इतनी दुआ करी, हमने भी करी, आपने भी तो करी। जब बहुत सारे लोग करते हैं दुआ तो अल्लाह ताला सब जल्दी सुनती हैं। इतने सारे लोगों ने पूरी दुनिया में से दुआ हो रही थी, इसी का असर अल्लाह पाक ने जल्दी दिया हमें। और डॉक्टर भी कह रहे थे कि मौत के मुँह से बच के आई हैं मम्मी, नई ज़िंदगी मिली है उनको, बहुत ही कम होता है ऐसा। और ये भी बोल रहे थे आप सबने बहुत दुआ करी है, प्रार्थना करी है, अब वो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही यानी अच्छा फील कर रही मम्मी। अब डेली उनसे बात कर रहे हैं, उनको याद है मैं कौन हूँ। और सीमा का भी बोल रहे हैं, सीमा बाजी का सबका बोल रहे हैं। आज साइना बाजी भी आ गई हैं तो, और आसिफा बुलबुल भी आई थी आज, दोनों आई थी, आसिफा बुलबुल अकेली आई थी आज। और सबका आलिया इनाया सबका नाम याद है उनको, लेकिन अभी वो कुछ ना कुछ थोड़ा वैसा उनका दिमाग अभी वैसा है बच्चे की तरह, कुछ जिद करती हैं कभी कुछ, कभी कुछ बोल देती हैं वो। अभी अब देखो डॉक्टर बोल रहे हैं धीरे धीरे उनको पूरी तरीके से दिमाग काम करना चालू हो जाएगा उनका, आप सब बस बात करिए उनसे, ये बोल रहे हैं वो। तो हम डेली बात कर रहे हैं उनसे डेली खूब बात कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।